सर्च इंजन की जब भी बात होती है हमारे माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो है गूगल। और मैं सिर्फ आप ही को क्यों कहूँ, हम भी जब कई बार सर्च इंजन बोलने वाले होते हैं उसकी जगह हमारे मुंह से निकलता है गूगल। देखिए उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो सर्च इंजन का मार्केट है उसका 90% शेयर जो है वो होल्ड करता है गूगल। यानी 90% से भी ज्यादा जो सर्च इंजन यूज किया जाता है वो किया जाता है गूगल। लेकिन अब सवाल आता है, क्या गूगल ही सिर्फ एक सर्च इंजन है? देखिए ऐसा नहीं है, ढेरों सर्च इंजन है हमारे पास। उनमें से आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी टॉप 10 सर्च इंजन की, और ऐसे कौन कौन से सर्च इंजन हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सर्च इंजन के बारे में बताऊंगी जिस पर आप जो भी कंटेंट सर्च करेंगे वो सब कॉपीराइट फ्री होगा। तो आप जो भी लोग ये पूछ रहे थे कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट कहाँ से लें, तो उस सर्च इंजन के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम टॉप 10 सर्च इंजन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सर्च इंजन गूगल के बाद में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है बिंग। बिंग माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है। अगर आपके पास विंडोज पावर्ड लैपटॉप है तो उसमें भी आपको बिंग सर्च इंजन ही मिलेगा। और गूगल के बाद ये एक अच्छा शेयर होल्ड करता है, क्योंकि अमेरिका में, अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो यूएसए में 2021-22 में 25% से भी ज्यादा जो सर्चेस हुए थे वो बिंग पर हुए थे। तो बिंग एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है गूगल का। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूंगी बिंग की, कि बिंग पर एक रिवॉर्ड प्रोग्राम चलता है जिससे आप जितने सर्चेस आप बिंग पर करेंगे उससे आपको कुछ पॉइंट्स आपके ऐड होते जाएंगे, और उन पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर कोई भी ऐप या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सर्च इंजन जो आप गूगल के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं वो है येंडेक्स। येंडेक्स पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है इतना ज्यादा पार्ट वो ना कवर करता हो, लेकिन रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया में 50% के आसपास जो सर्चेस होती हैं वो येंडेक्स पर होती हैं। तो येंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप SEO कर रहे हैं किसी ऐसे क्लाइंट के लिए जिसकी टारगेटेड लोकेशन रशिया या रशिया की कोई सिटी है, तो येंडेक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्च इंजन जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए वो है डक डक गो। नाम थोड़ा सा फनी है, लेकिन डक डक गो उन लोगों के लिए है जिनको प्राइवेसी, जिनका कंसर्न रहती है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि गूगल और बाकी सारे सर्च इंजन आपकी सर्च हिस्ट्रीज, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उनको बाद में यूज करते हैं एड्स के लिए। तो ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि आपकी प्राइवेसी को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। तो जो भी लोग प्राइवेसी का कंसर्न रखते हैं उनके लिए ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे सर्च इंजन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिससे आप कॉपीराइट कंटेंट सर्च कर सकते हैं, तो उस सर्च इंजन का नाम है सीसी सर्च। सीसी बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ेगा और सर्च। तो सीसी सर्च एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको कॉपीराइट कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी चीजें सर्च करेंगे और जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो सारे कॉपीराइट फ्री होंगे। तो आप उनको डाउनलोड करके या फिर उन वेबसाइट्स पर जाकर उस कॉन्टेंट को लेकर अपनी वीडियोज में या अपने सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक और सर्च इंजन है जो कि गूगल का ही डेटा आपको सर्व करता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं आप में से जिनको लगता है कि नहीं गूगल सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो सर्च हिस्ट्री है वो ट्रैक ना हो, तो उसके लिए आप ये सर्च इंजन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्टार्ट पेज। तो स्टार्ट पेज गूगल का ही डेटा आपको सर्व करेगा, यानी गूगल का ही डेटा आपको दिखाएगा, लेकिन ये आपकी सर्च हिस्ट्री को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रैक नहीं करेगा। तो ये भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है गूगल का। टॉप 3 सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें याहू का नाम आता है, और याहू वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि एक टाइम था गूगल से भी पहले हम याहू से फैमिलियर हुए थे। तो याहू कुड बी एन अमेजिंग चॉइस, लेकिन अभी बहुत सारी कंट्रीज में ये अभी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये ग्रेट चॉइस तो नहीं होगी, लेकिन याहू बहुत ही पुराना हमारा सर्च इंजन रहा है, तो ये भी आप एक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो अर्जेंटीना में, जिसका बिजनेस है, तो अर्जेंटीना में काफी अच्छा इसका मार्केट शेयर है, तो अगर ऐसा कोई
SEO पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप याहू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्च इंजन जो कि चाइना में बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो बायजू एक अमेजिंग चॉइस हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि या तो चाइना में रहते हैं या फिर वहां से इंट्रैक्शन करते हैं या फिर चाइना टारगेटेड लोकेशन है उनके SEO के लिए, तो वो लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बारी आती है सर्च इंजन के गुरु या फिर मैं कहूँ सर्च इंजन के जो सबसे पुराने दादाजी हैं, उसका नाम है वेब क्रॉलर। ये दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सर्च इंजन है, यानी सबसे पुराना लेकिन जो अभी तक भी सर्वाइव कर रहा है। तो वेब क्रॉलर को भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी। वैसे मुझे पता है भले ही ये कितनी भी वीडियो देख लो, यूज आपको गूगल ही करना है। नेक्स्ट सर्च इंजन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है ask.com। तो ask.com एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको डेवलप किया गया था स्पेसिफिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, यानी यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए जाते थे। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो ask.com आप यूज कर सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सर्च इंजन हर एक वो वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है जहां पर सर्च बॉक्स है। जैसे आप YouTube की बात करें तो YouTube भी एक तरह का सर्च इंजन है जहां पर हम कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, बस फर्क इतना है कि रिजल्ट जो है वो क्या है, वो वीडियोस के फॉर्मेट में है। सेम विद द Pinterest, तो Pinterest भी क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है जहां पर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें इमेजेस की फॉर्मेट में, वीडियोस की फॉर्मेट में मिलते हैं। सेम विद Instagram पर भी अभी आप कीवर्ड्स टाइप करके डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनको देख सकते हो। तो ये जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखते हो जहां पर सर्च का ऑप्शन होता है, भले मैं Amazon की बात करूं, Flipkart की बात करूं, सभी कहीं ना कहीं एक सर्च इंजन का पार्ट है। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा होगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हो, हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।